तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे अहम भूमिका है लोकल जो टैंकर ढोने वाले हैं उनकी रही। तो आप बताइए कि किस प्रकार से एक आग लगी थी और कितने टैंकर हमारे ग्रामीणों ने सहयोग किया? सर ग्रामीण ने सहयोग तो बहुत ज्यादा किया। टैंकर जितना भी नेड़ा नेड़ा सो सारा पहुंच गया। तो ये जो है ना यहाँ पानी जैसे ये उबल रहा है, देखिए किस प्रकार से जो आग है अपना एक विकराल रूप इसने ले लिया है। कल से लगे हैं। अच्छा ऐसे ही खबर है, रात का पूरी रात, पूरी रात ऐसे लगे हुए थे, पूरी रात कल 11 बजे से लगे हुए, कल 11 बजे। अच्छा कल 11 बजे से लगे हुए हैं। हाँ पूरी मेहनत की है तब जाके इस आग पे कुछ काबू पाया। थी ना वहाँ पे लीला दरखत था, नीचे कोई सूखा था, वहाँ पे उनने बुझाने नहीं दी, दरखत नष्ट हो जाएंगे। हाँ इसलिए ये ज्यादा फैल गई आग। नहीं एक चीज और बताइए, जैसे आप सभी ग्रामीण लगे हुए हो। हाँ जी। और ये जो सामने मंजर दिख रहा है ये एक मौत का मंजर है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर करीबन मैं अभी मेरा पैर है वो करीबन 1 फुट नीचे अंदर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी मतलब थोड़ा सिक्योरिटी के साथ थोड़ा ध्यान रखें, तो आपने ध्यान भी आपको भी रखना चाहिए ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल साफ तो नहीं करें साहब। ये लोकल में डिग गया हूं, ट्यूबवेल वाटर व्यवस्था करी है और प्रशासन फिर तो 2-4 टैंकर भर गया बिंगमाए वाटर बॉक्स कमाए। अच्छा ये टोटल नोकल नहीं खेता में पानी आवे डिगिया में ट्यूबवेल कर करा तो अब डिगियों में तो ये पानी पीने के लिए आपने इकट्ठा कर रखा था। क्या करा तो घर बन सा है क्या करा आप? कल 12 बजे का खड़ा हो रहा है, 12 बजे का तुम्हारे बहुत ज्यादा रोज है, ये सूर है वगैरह बहुत जंगली जानवर खत्म हुए इसके। के पास कोई साधन नहीं था कल? नहीं। तो किस प्रकार से मतलब ये आपने इसको कोई पावड़ा है कसी है बाऊ थोड़ा सा पता इधर उधर कर बाकी काल थोड़े से मौके के ऊपर आंधी बहुत चल रही थी। आंधी ने इधर उधर से मान लो गए इसके ऊपर से आके चणक डाल दी थी और बाद में आगे से इधर वाली आंधी ही इधर 2 किलोमीटर चली गई। सूर खत्म हो गया, बच्चा भी इसका एक बच्चा अच्छा, बाकी रहा बच्चा अंदर बच्चे आठ बच्चे हैं, 8 बच्चे खत्म हो गए सूर के। अर्जुन अच्छा किस प्रकार से क्या हुआ था? मिट्टी में पग डस गया। अच्छा कब? रात को। मेरे को बढ़त नहीं है, ठीक है नॉर्मल है। मोर आया करे चुगो ना कहती है, 4 डाणी 5-6 डाणी है आज एक ही कोई जानवर को चिड़ी मोर कबूतर कुछ भी जानवर चूहे हले चाहे मोटे हले छोटे पूरे पूरे हजारों पर बढ़िया हजारों बढ़िया कोई गिनती को नहीं कोई सीमा बाहर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किसानों के जो है एक भावना के साथ किस प्रकार से ये हुआ है और किसान के आंखों में आपको साफ तरह से आंसू दिख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है? मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल शिवम बीकानेरी व्लॉग्स। दोस्तों बीकानेर के निकलने के बाद कोलाइत और कोलाइत के बाद सबसे बड़ा एरिया है बज्जू। बज्जू में कल यानी 15 तारीख को 931 RD पर जो है आग नर्सरी में लग गई थी। ये सुबह का 9 बजे का टाइम था जब ये जो आग है एक छोटा सा अपना रूप धारण कर लिया था। 9 बजे के बाद यहाँ पर प्रशासन को सूचित किया गया और यहाँ के जो लोकल ग्रामीणों को पता चला, तो उसके बाद में करीबन यहाँ के जो आसपास की जो दमकल है यानी कि बीकानेर नोखा देशनोक और फड़ोदी से ये दमकलें जो है करीबन 1 बजे यहाँ पर पहुँची थी, तब तक आग ने जो है अपना विकराल रूप धारण कर लिया था और यहाँ पर करीबन 5 किमी के एरिया में जो आग ने इस पूरे जंगल को तबाह कर दिया, जलकर खाक हो गया इस ये जंगल और साथ ही साथ इसके अंदर छोटे छोटे जानवर हजारों करोड़ों कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों का जो है जलकर उनका खात्मा हो गया। ये एक दुख घटना है। सीधे ले चलता हूँ यहीं पर जहाँ पर किसानों का क्या क्या नुकसान हुआ और किसानों ने किस तरह से यहाँ पर पूरी रात मिलकर इस आग को काबू पाया, लेकिन ये आग अभी भी धधक रही है। फायरमैन है, उसका पैर है जो जलकर करीबन नीचे से 1 फुट जो है खाक राख थी, इस राख के अंदर उसने गलती में रात को जो है अपना पैर अंदर डाल दिया, उसके बावजूद उसका पैर जो जलकर खराब हो चुका है, लेकिन वो प्राथमिक उपचार के बाद अब कुछ ठीक है। यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे और यहाँ पर जो है एक मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो लोकल जो टैंकरों वाले थे पानी ढोने वाले थे वो यहाँ पर और फरिश्ते बन गए जो इस जंगल को बुझाने में उनकी जो कड़ी मशक्कत जो है उनकी मेहनत है जो रंग लाई। सर हमारे मेरे नॉलेज में तो पहली बार ही है। अच्छा जो है मंजर देख रहे हैं एक भयानक मंजर,
जो कि एक आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था इस रेगिस्तान के अंदर। पर मैं अभी लोकेशन पर आया हूं और यहां एक किसान की ढाणी है और बीच में इनके खेत हैं और साइड में जो है आग लग गई थी। तो इन्होंने पूरी रात यहां पर इनके घर वालों ने और पास में इन्होंने पानी पीने के लिए एक डिगी स्टोर की है। तो इस डिगी का जो पानी यूज़ किया इन्होंने और किस प्रकार से इस आग को काबू किया, तो इनके जो है हालात इनसे पूछते हैं। नमस्कार, क्या हाल है आपके? नमस्कार, की पूरी रात अपने तो, अच्छा, तो ये आग किस तरह से लगी और कब आपको पता लगा था? अब तो 5-6 बजे रात हो या 2 बजे बाद पता लगी, आग लागू 9 बजे सुबह की। हाँ, अच्छा, अभी तक ये आग लगी है। ये खेत आपका है तो? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो नर्सरी है इसको यहाँ पर मतलब इस तरह से भयंकर आग लगी उसके बावजूद आपको पता लगा, कब पता लगा और कब? तो पीछे लागे में तो पीछे खेत आला में बंद करने गया देते थे, आगे आगे लागी। अच्छा, आप आगे गए थे और पीछे अचानक लगी, तो ये किस प्रकार से इतनी दूरी दूरी से किस प्रकार लगी? अब हमारे प्रकार आई ऊपर हम उडरे ऑटोमेटिक कोई पत्तो कहीं को। तो मैंने सुना है कि जो आसपास ढाणी वाले उनको भी नुकसान हुआ, तो आपको नुकसान हुआ ही तोड़ी होगी, 15 बोले मार तोड़ी हुई, तोड़ी खत्म हो गई, जलकर खाक हो गई। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या बताया? अच्छा, ये ढाणी आपके कहाँ पर है? 921 निकलने के बाद कौन सी आरडी पड़ती है? 925 है। अच्छा, आप अभी बोल रहे थे कि हम तो पूरी रात लगे हुए थे। अच्छा, तो किसानों के लिए दोस्तों ये एक बड़ी टेंशन हो गई और डिगी के इन्होंने पानी पीने के लिए स्टोर किया था वो भी इन्होंने खपत कर दिया। तो अब पानी जो है डिग्गी के अंदर तो थोड़ा ही बचा है, तो पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे आप? हाँ, पीने के लिए नहीं है। तो ये जो है आग अभी लगी उस टाइम इसका जो भयानक मंजर है वो एक खौफनाक था। रात हम चलती थी पूरी रात, अभी तक। अच्छा, ये पूरी रात चल रही थी आग? रात ही चले। अच्छा, अभी भी ये दोस्तों जल रही है? मैं भी जल गई थोड़ी, और थोड़ी बाकी भी छोटे भाई डाणी बकरी सपरो बल्कि भी। हाँ, वो ट्रैक्टर जो है किसानों के अंदर जो है डर का माहौल है अभी भी, क्योंकि आग जो है ना वो एक भयंकर तरह से एक विकराल रूप ले रही है। सुबह के करीबन अभी 10 बज चुके हैं और मैं लोकेशन पर हूँ खास, यहाँ पर जो है ग्रामीण और यहाँ के किसान भाइयों के साथ। अभी जो एरिया है टोटल करीबन 10 किलोमीटर का एरिया है करीबन, तो यहाँ पर 5-7 किलोमीटर मैं घूम घूम के देख रहा हूँ किस प्रकार की जो हकीकत है, हकीकत आपके सामने मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहे। क्या चीज? रोज अच्छा, वो ये जो है ना ये जो राख है ये करीबन इसकी जो राख के अंदर 1 फुट नीचे है, तो 3-3 फुट है, 3-3 फुट है इसके अंदर, अगर पैर गया तो वो जल गया। 5-6 रोज रात में खत्म है, वो जिंदा जल गए, जिंदा छोटे मोटे 1500 से 2000 तक जो है और जो वनस्पति है वो खत्म हो गई और छोटे छोटे मतलब पशु पक्षियों को यहाँ पर जिंदा जलते हुए यहाँ किसानों ने देखा है। तो ये दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ये जो आग है अभी भी जल रहा है, देखिए। तो ये अच्छा, तो आपने मतलब ये जो है ये सप्रे वाली गन, कितना कुछ मेहनत करी आपने? बहुत अच्छी मेहनत करी है। पहले आए तो हमने आग पर काबू किया था, बाद में आए थे भी सब फायर ब्रिगेड। अच्छा, चल रहे फायर ब्रिगेड आने से पहले यहाँ के लोकल ग्रामीणों ने मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की और इसको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक मान सकते हैं कि जो है यहाँ के ग्रामीणों का जो है सहयोग रहा था। उस टाइम आप कहाँ पर थे? हम यहीं। अच्छा, आप यहीं काम करते हो? हाँ, की है ये जी 900। तो ये इसके अंदर मतलब 500 लीटर जो है, हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हुआ। बहुत फायदा होता है जी। और वैसे जो से मैंने पीछे पूछा कि यहाँ पर जो है पावड़ों से कसियों से अपने हाथों से मतलब कर रहे थे, हाँ। तो ऐसा कोई नुकसान तो नहीं हुआ हाथों में जैसे जलना वलना होता है? जो जैसे उनके छाले हो गए थे 2-3 आदमी के चले गए। तो इस आग लगने का कोई कारण अभी पता चला? कोई पता चल नहीं, कोई नहीं चला जी। आपका शुभ नाम क्या बताया? ईश्वरलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ईश्वरलाल जी ने एक बड़ी एक छोटा सा आइटम है लेकिन इससे इनकी जो है काफ़ी हेल्प हुई थी। तो ये एक छोटा सा यंत्र है, इससे भी इन्होंने जो है आग बुझाने का प्रयास किया था और ये एक बड़ी अचीवमेंट इनके लिए है कि आज जो आग है वो शांत हो गई है। तो इनको भी धन्यवाद देते हैं कि ये देवदूत बन के आए और इन्होंने इस प्रकार से जो है, और ये जो है 931 की नर्सरी है लेकिन ये बच गई थी और इससे जस्ट पास से ये आग जो है यहाँ से सुलगती गई आगे करीबन 5 किलोमीटर आगे। तो इस प्रकार से
ये आग जो है अब शांत हो चुकी है और इसके लिए सभी को धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। किस प्रकार से हुई यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो गई? पास में ही जो ट्यूबवेल है उससे मिली और कुछ पंप वगैरह लगाया और ट्रैक्टरों ने भी डाला पानी, तो पानी की व्यवस्था लगभग। अच्छा, लोकल ग्रामीणों ने कितना हेल्प किया है? लोकल ने भी हेल्प किया है हमारे को, चाय पानी भी पूछा है, खाना वाना भी खिलाया है और हेल्प भी किया है। अच्छा, पानी वानी डालने में भी हेल्प किया है, लाइनें बिछाने में भी हेल्प किया है, काफी हमारा हेल्प। तो ये एक माने तो मतलब ये आग इस एरिया में जो है पहली बार इतनी भयंकर आग लगी है, ये बात है। धन्यवाद।